नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वैवाहिक विलंब के कारण और निवारण। जो ही संतान जवान होती है, विवाह के योग्य होती है, हर माता पिता अपने परिजनों में, अपने रिश्तेदारों में या जो भी सिस्टम है उसके अनुसार उसका जीवन साथी तलाश करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सभी माता पिता ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या यह सिस्टम, क्या यह प्रयास सही है? शायद नहीं। इसके ठीक पहले जो एक कार्य करना है, उसकी जन्मपत्री का अध्ययन, उसकी कुंडली का विश्लेषण कि इस कुंडली में वैवाहिक समय अर्थात ग्रह सुख का समय कब है, इसकी दशा कौन सी चल रही है, क्या इसकी कुंडली में कोई दुर्योग तो नहीं है, क्या इसकी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है कि ये अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से संबंध बना सकती है, शादी कर सकती है, अर्थात ये अपनी मर्जी से लव मैरिज तो नहीं कर पाएगी, इसकी शादी में कितने व्यवधान है और क्या शादी के बाद भी व्यवधान है, क्या वैवाहिक विच्छेद का योग तो नहीं है, क्या वैधव्य योग तो नहीं है, यह देखना क्या जरूरी नहीं है? ईश्वर ना करे और ऐसी कोई समस्या जीवन में आ जाती है, तब हमारे सामने रोने धोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। समय चला जाता है लेकिन समय अपने पीछे बहुत कुछ कहानियाँ छोड़ जाता है और हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसी कोई कहानी आए। आइए आज बात करते हैं धनु लग्न की। इस लग्न के बारे में या ज्योतिष के विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक दो बातें स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु पांच ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह हैं जो आपसे छीनने का कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में भोग सुख का कारक ग्रह शुक्र है और भोग सुख का भाव सप्तम है। भोग सुख तो एक क्रिया है, उस क्रिया से पहले मानसिक भाव होना जरूरी है और मानसिक भाव बनाता है चंद्रमा, और उसके बाद में आती है उत्तेजना की बारी, वह कार्य करता है मंगल और शुक्र तो क्रिया करता है। तो क्या कोई भी कुंडली में चंद्रमा को नहीं देखा जाना चाहिए? बृहस्पति शादी के मंडप तक लाने का कार्य बृहस्पति करता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म का अधिपति है और इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और कोई भी कास्ट में, कोई भी संप्रदाय में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कोई भी और भी हो, उन सब में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह होता है। कोई ऐसा संप्रदाय आप ढूंढ करके नहीं बता सकते कि जिसमें मंत्रों के बिना, जिसमें उनके रीति रिवाज के अलावा किसी और ढंग से शादी होती हो। सभी लोगों की अनुकूलता, सभी लोगों की सहमति के साथ में और बाजे गाजे के साथ में, नगाड़े के साथ में शादी होती है कि हम ये कर्म करना चाह रहे हैं, हम ये कर्म करने जा रहे हैं। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, यदि किसी को कोई भी व्यवधान है तो हमें आकर के बतलाएं। विवाह से पहले नगाड़े बजाने का अर्थ, ढोल थाली बजाने का अर्थ, ये सब इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इस कुंडली में यह कुंडली एक लड़के की है, एक व्यक्ति की है, एक युवक की है। उसकी कुंडली में मैं आपको दिखलाऊंगा, मैं आपको इसमें से योग निकला के दिखलाऊंगा कि ऐसा क्यों है वह व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता। इतनी उम्र हो चुकी है, वह व्यक्ति 50 के आसपास को पहुंच रहा है, उसके पश्चात भी यह व्यक्ति अपने जीवन में शादी का नाम सुनना नहीं चाहता। लग्न का अधिपति बृहस्पति, अतः जीवन का अधिपति बृहस्पति है, तो बृहस्पति तो लग्न में है, अतः व्यक्ति तो समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, धार्मिक है, संस्कारों को मानने वाला है, यह बात भी सही है। लेकिन वह बृहस्पति राहु के साथ में है और शनि और राहु, अर्थात बृहस्पति और राहु साथ में जुड़ेंगे तो उस स्थिति को चांडालियो कहा जाएगा। और शनि, मैंने जैसा कि पहले बतलाया, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु सभी विच्छेदात्मक ग्रह हैं, यहाँ पर दो ग्रह तो लग्न में ही है। इसके पश्चात द्वितीय भाव, द्वितीय भाव परिवार का है, खानदान का है, संपत्ति का है, उसका स्वामी अपने से द्वादश बैठा है, अपने से नाश भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव, पंचम भाव का अधिपति मंगल, संतान का भाव, संतान का भाव का अधिपति आप देख लीजिए, वो भी अपने से द्वादश बैठे हैं। चाहे एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में बैठे हुए, वो राजयोग बनाएगा, लेकिन संतान की जब बात हो जाएगी तब उसमें वो दुविधा पैदा करेगा। बुध ग्रह जिसे कहते हैं, उसे नपुंसक की संज्ञा दी गई है। बुध को युवराज कहा गया, लेकिन ग्रहों में एक पुरुष स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग है, यह बुध को नपुंसक कहा गया है। बुध सप्तम भाव में है, केतु के साथ में, केतु को भी विच्छेदात्मक ग्रह बोला गया है। सप्तम भाव का अधिपति ग्रह कौन? बुध। बुध यहाँ पे स्वग्रही है, लेकिन केतु के साथ में है, शनि और राहु की दृष्टि में है। मानसिक भाव चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ अष्टम स्थान में है। अष्टम भाव का चंद्रमा आदमी को रोगी बनाता है, इमोशनल सेंटिमेंटल बनाता है, वेवरिंग थॉट वाला बनाता है, आदमी भरोसा करता है और जिंदगी भर धोखा खाता रहता है। यह भी इस कुंडली में है।
भोग का कारक ग्रह शुक्र, शुक्र आप देख लीजिए स्वग्रही है, लेकिन सप्तम भाव जो उसका कारक भाव है उससे द्वादश भाव में है। जो जो भाव, जो जो ग्रह कारक है, जो जो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपने से नाश भाव में बैठे हुए हैं। भोग सुख का अर्थात सैया सुख या भोग सुख का भाव है द्वादश भाव। द्वादश भाव का अधिपति ग्रह मंगल, मंगल स्वयं आप देख लीजिए किस स्थिति में है। तो ये कुंडली तो बोल रही है कि यहाँ पे ग्रह सुख का अभाव ही अभाव है, और इसीलिए वैवाह की उम्र भी बीत गई, भोग सुख लेने की उम्र भी समाप्ति की ओर है। उसके पश्चात भी इस व्यक्ति ने शादी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यह व्यक्ति अपने जीवन में शादी का नाम शब्द सुनना नहीं चाहता। शायद इसके पीछे कुछ दोष नपुंसकत्व का भी है, क्योंकि इस कुंडली में ऐसा भी कुछ दिखलाई दे रहा है। लेकिन यदि यह व्यक्ति अपने जीवन में उपाय करता, किसी विद्वान ज्योति से सलाह करता और उसके अनुसार चलता, तो क्या शादी नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। ग्रह अपना प्रभाव आपको बतलाते हैं। यदि आपका कोई दुश्मन है और क्या आप उससे निपटने का तरीका नहीं ढूंढेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन है, उसके लिए भी आप कमर कसकर तैयार हो जाएंगे, उसका सामना करेंगे। यही बात यहाँ पर भी, ग्रह आपके जीवन में बाधा डाल रहे हैं, वो सुख का नाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे लड़ करके, उनका उपाय करके, उनको शांत करके आप वह सहायता ले सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं, वह सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कुंडली में ऐसा योग है, आपकी संतान की कोई कुंडली में ऐसा योग है, ईश्वर ना करे कि इस प्रकार का योग उनकी कुंडली में हो, फिर भी ऐसा कोई योग है, समय से पहले सावधान हो जाइए, अपने आसपास किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, क्योंकि एक परामर्श व्यक्ति का भविष्य बदल सकता है, मेरा ये मानना है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और कल तक कीजिए इंतजार, क्योंकि कल होगी अगले लग्न की बारी, अर्थात मकर लग्न की बारी। नमस्कार।